दोस्तों शाहरुख खान के बेटे आयन खान को एनसीबी ने ड्रग मामले में गिरफ्तार किया था। हालांकि उन्हें बेल मिल गई है, बावजूद इसके उन्हें हर शुक्रवार को एनसीबी ऑफिस जाना होगा। दोस्तों जहां हर साल मन्नत में शाहरुख खान के बर्थडे पर सेलिब्रेशन होते थे, वहीं इस बार सब कुछ खाली खाली सा है और लगता है कि इस बार दिवाली का त्योहार भी एसआरके के यहां फीका होने वाला है। दोस्तों वहीं अगर खबरों की माने तो मन्नत में ना तो कोई ग्रैंड पार्टी होगी और ना ही बी टाउन की किसी पार्टी में शाहरुख खान का परिवार शामिल होगा। वहीं शाहरुख खान इस साल मन्नत में दिवाली न मनाकर अपने अलीबाग वाले घर में दिवाली सेलिब्रेट करेंगे और इस घर में वे अपने सिर्फ परिवार वालों के साथ ही त्योहार मनाएंगे। दोस्तों साथ ही आपको बता दें, एनसीबी ने आर्यन को ड्रग मामले में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उनकी जमानत को लेकर शाहरुख खान काफी परेशान हुए थे और सेशन कोर्ट से उन्हें जमानत भी नहीं मिली थी, जिसके बाद हाई कोर्ट ने आर्यन खान को 28 दिन जेल में रखने के बाद बेल दी। हालांकि हर शुक्रवार एनसीबी के दफ्तर में सुबह 11 से 2 के बीच में आर्यन को जाना होगा। शाहरुख खान और गौरी के लाडले को 1,00,000 के मुचलके पर जमानत मिली है, साथ ही बिना इजाजत के उन्हें कहीं भी जाने की परमिशन नहीं है। अन्य आरोपियों से आर्यन किसी भी तरह से संपर्क नहीं कर सकते और कोर्ट में उन्हें अपना पासपोर्ट भी जमा करवाना होगा। तो दोस्तों ये थी कुछ शर्तें और नियम जिन पे आर्यन खान को बेल मिली है। आपका क्या विचार है इस मामले में, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही ऐसे और बॉलीवुड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।